दोस्तों, हिमालय की प्राकृतिक खूबसूरती, शांति और सुकून देने वाली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और हमेशा खुश रहने वाले लोग, ये सब भूटान की खासियत जिस वजह से टूरिस्ट भूटान घूमना पसंद करते हैं। भारत के लोग लकी है जिन्हें भूटान जाने के लिए ना ही वीजा की जरूरत पड़ती है और ना ही उन्हें किसी तरह का अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है ट्रेवल NFX। और आज इसी कड़ी में हम आपको कुछ जरूरी बातों से रूबरू कराएंगे जो कि बहुत ही खास है भूटान ट्रिप प्लान करने से पहले। दोस्तों, अगर आप भी अपने शहर के प्रदूषण और जहरीली हवा से परेशान हो चुके हैं और कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन शुद्ध हवा में सांस लेना चाहते हैं, तो पहुंच जाइए भूटान, क्योंकि ये इकलौती जगह है जहां धरती पर आपको सबसे शुद्ध हवा मिलेगी। इसकी वजह ये है कि हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला में बसा भूटान दुनिया का पहला और एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है। दोस्तों, बौद्ध धर्म भूटान के लोगों के जीवन जीने का तरीका है और ये देश GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह GNH यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पर जोर देता है। इस देश में पैसों से ज्यादा खुशियों को अहमियत दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं कि भूटान जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। दोस्तों, वैसे तो आप साल के किसी भी समय भूटान जा सकते हैं, लेकिन भूटान जाने का बेस्ट समय वसंत ऋतु में अप्रैल से जुलाई और शरद ऋतु में सितंबर से नवंबर के बीच है। इन महीनों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट भूटान आते हैं क्योंकि इस दौरान भूटान में शेचू फेस्टिवल, जिसे फेस्टिवल ऑफ डांसेस भी कहते हैं, उसका आयोजन होता है। वैसे लोग जो ट्रैकिंग में दिलचस्पी रखते हैं या फिर शांति की तलाश में जाना चाहते हैं, उन्हें मार्च से मई महीने के बीच भूटान जाना चाहिए। वैसे आप चाहे तो मॉनसून के सीजन में जुलाई अगस्त के दौरान भी भूटान जा सकते हैं क्योंकि यहां बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। भारत के नागरिकों को भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, इसलिए पासपोर्ट साथ रखना जरूरी नहीं है। अपना वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी साथ रखने से काम चल जाएगा। भूटान का बॉर्डर पार करते वक्त एक एंट्री परमिट दिया जाता है। बावजूद इसके, चूंकि आप दूसरे देश में यात्रा कर रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी प्रूफ और उनके फोटो कॉपीज को साथ में रखें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे पहुंचा जाए भूटान। दोस्तों, भूटान जाने का सिर्फ दो ही रास्ता है, हवाई मार्ग या सड़क मार्ग। हवाई मार्ग भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पारो में है, जो भूटान की राजधानी थिम्पू से 50 किलोमीटर दूर है और पारो से थिम्पू पहुंचने में आपको 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बागडोगरा से सीधी फ्लाइट्स पारो के लिए जाती है, लेकिन इनकी संख्या कम है, लिहाजा फ्लाइट शेड्यूल और फ्लाइट की अवेलेबिलिटी देखकर ही अपनी जाने और आने का ट्रिप प्लान करें। अब बात करते हैं सड़क मार्ग के बारे में। सड़क मार्ग के जरिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से भूटान के बॉर्डर फुएंत शोलिंग पहुंचने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। भूटान के बॉर्डर से राजधानी थिम्पू पहुंचने में 5 से 6 घंटे का वक्त और लगता है और ये पूरा रास्ता पहाड़ों वाला है और बेहद खूबसूरत है। आप चाहे तो भूटान जाकर घूमने के लिए वहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किराए पर टैक्सी भी ले सकते हैं। हालांकि आप अपनी कार से भी भूटान जा सकते हैं, जिसके लिए आपको भूटान के बॉर्डर पर परमिट लेने की जरूरत होगी। अब नजर डालते हैं करेंसी पे। वैसे तो भूटान की लोकल करेंसी गल्ट्रम है, जो भारतीय रुपए के बराबर ही है और भारत का रुपया भी भूटान में आसानी से चल जाता है, लिहाजा भूटान जाने से पहले आपको अपनी करेंसी बदलवाने की जरूरत नहीं है। भूटान में कम ही जगहों पर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, लिहाजा अपने साथ कैश लेकर जरूर चलें। अब बात करते हैं कपड़े और जूतों पर, यानी कि पहनावे पर। भूटान का मौसम गर्मी का हो या फिर सर्दी का, यहां एक ही दिन में अचानक तापमान 10 से 15 डिग्री का अंतर आ जाता है, लिहाजा गर्मी के मौसम में भी अपने साथ हल्के गर्म कपड़े जरूर रखें। गर्मी के मौसम में यहाँ दिन का तापमान 27 डिग्री के आसपास रहता है, जबकि शाम में अगर बारिश हो जाए तो 12 डिग्री, लिहाजा शाम और रात की हल्की ठंड में पहनने के लिए अपने साथ हल्का जैकेट या स्वेटशर्ट जरूर रखें। भूटान में ट्रेवल करते वक्त आपको पहाड़ों पर, मोनेस्ट्रीज में और कई दूसरी जगहों पर काफी चलना पड़ता है, ऐसे में कंफर्टेबल जूते पहने जिनसे पैरों को तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, आज का हमारे वीडियो हुआ यही समाप्त। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए ट्रेवल NFX। हम जल्दी मिलेंगे एक नए इसी तरह के दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक घूमते रहे, फिरते रहे, गाते रहे, पीते रहे, जो जी में आए करते रहे। बाय बाय।